हेलो दोस्तों, गोपाल सिंह ऑफिशियल 429 में आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भाई हैं असम राइफल से रिलेटेड, जो भी वैकेंसी आने वाली है तो उनकी जानकारी मैं आज के हमारे वीडियो में मिलेगा आपको। असम राइफल की जो वैकेंसी है नई, वो मार्च तक आ जाएगी। और जो भी हमारा ये वाशरमैन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो आज जानकारी इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो वाशरमैन की क्राइटेरिया क्या है, आपका वाशरमैन के लिए अगर 18 से 23 साल के एज के हैं आप, और 18 से 23 के बीच में आपका एज है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं वाशरमैन के लिए। और आपकी हाइट की बात करूँ, जो हाइट है, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और शेड्यूल ट्राइब मतलब ST के लिए छूट है इसमें, 162.5 होना चाहिए, मतलब 162.5 होना चाहिए। चेस्ट ST में जो होता है 76 से 81 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और रनिंग, इसमें रनिंग की बात करूं तो आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करने हैं। अगर इसमें कोई जल्दी आता है तो इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, ओनली 5 किलोमीटर मिलेगा, 24 मिनट में आपको आने हैं। चाहे आप 24 मिनट से पहले 23:58 तक आ जाएं, चाहे 23:59 तक आ जाएं, लेकिन 24 से पहले पहले अगर आप आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यहीं पे आपको सबसे बड़ी बात, टेस्ट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लोग टेस्ट में फेल होते हैं। जो टेस्ट है इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो आयरन कैसे होता है, आयरन आपको दे दिया जाएगा करने के लिए टेस्ट में जो पूछा जाएगा। अब आयरन दे दिया जाएगा करने के लिए, प्रैक्टिकली रूप से आपसे कराया जा सकता है वहाँ पे, तो कराया जा सकता नहीं है, कराया जाएगा। तो और ड्राई क्लीनर कैसे होता है, कैसे क्या होता है, ये कितने कितने टाइप के कपड़े होते हैं, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो वॉशिंग मशीन है इसको ऑपरेट करना आना चाहिए। आप अगर वॉशिंग मशीन आपको दे दिया जाएगा तो आपको कैसे क्या करना है, या आपसे पूछा जाएगा कि वॉशिंग मशीन कैसे चलाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो ये सब जानकारी आपको और रख के जाना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें वहाँ पे पास कर पाएंगे। नहीं तो अगर नहीं पास कर पाएंगे तो आप रिटर्न एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले जो टेस्ट पूछा जाता है, ये सब जानकारी आप बिल्कुल ले लीजिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ऐड होकर, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ऐड होकर हमसे वो चीज़ें ले सकते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हुए थे पिछले साल, वो सब क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ऑलरेडी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते, आप पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके बाद आपको ये अगर टेस्ट पास करते हैं तो वहीं पे आपको जो रिटेन का डेट है, रिटेन का डेट का एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको, कि इस दिन को आपका रिटेन मिलेगा। तो जिस दिन डेट आपको मिलेगा, आज से आप पहले से तैयारी बना के रखेंगे तभी आपका रिटेन निकल पाएगा, क्योंकि इसमें भी वैकेंसी जो आती हैं कम आती हैं, और लड़के इसमें ज़्यादा अप्लाई करने वाले होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग फेल होने वाले हैं तो टेस्ट में। और उसके बाद आपका रिटेन होने के बाद जो होता है मेडिकल में अगर आप कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप पहले ही डॉक्टर को दिखा दीजिए। जैसे कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो सही हो सकती हैं, उसको दिखा दीजिए, नहीं होती हैं तो एक बार ज़रूर जाइए हमारे कहने से, क्योंकि वहाँ पर जाने से आपका क्या है, एक बार ट्राई तो कर सकते हैं आप। उसके बाद मेडिकल हो जाता है, मेडिकल के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है, इसमें जो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया था 10th, तो 10th का मार्कशीट लगेगा आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद PCC मतलब पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, और आपका आधार कार्ड और 10 कॉपी फ़ोटो, और 3-3 फोटोकॉपी हर डॉक्यूमेंट्स के लगेंगे आपके। तो ये सब आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो में शॉर्ट्स में बताया हूँ। तो क्वालिफिकेशन आपका ये 10th, जिस भाई का होगा 10th, वो वाशरमैन के लिए अप्लाई कर सकता है, और उनका एज होना चाहिए 18 से 23, और हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे वीडियो में आप पूरा समझ चुके होंगे, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो, हम इससे रिलेटेड जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से, डिफेंस से रिलेटेड जानकारी अपने चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहते हैं। और इस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।